कोरोना वायरस का टीका आने में अभी कुछ दिन शेष है, लेकिन सरकार ने टीकाकरण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब देश में घर घर जाकर सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे के तहत लोगों की पहचान की जा रही है जिन्हें टीका आने के बाद पहली डोज दी जाएगी। इनमें 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग शामिल हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक विभिन्न राज्यों में घर घर जाकर सर्वे शुरू हो चुका है। गुजरात में 10 से 13 दिसंबर के बीच 3 दिन के लिए सर्वे शुरू होगा। वहीं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह सर्वे शुरू होगा। छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान में सर्वे शुरू हो चुका है। ICMR के डॉक्टर लोकेश शर्मा ने बताया कि टीकाकरण के पहले चरण के तहत स्वास्थ्य कर्मचारियों और सुरक्षा जवानों को टीका दिया जाना है। इन लोगों का डेटा तैयार हो चुका है। डॉक्टर लोकेश शर्मा ने बताया कि गुजरात में सर्वे गुरुवार से शुरू हो रहा है। इस सर्वे को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। एक चरण में वरिष्ठ नागरिकों की पहचान की जाएगी और दूसरे चरण में मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे रोगों से ग्रसित लोगों की पहचान होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि टीम घर घर जाकर लोगों की जानकारी ले रही है, साथ ही उनके फोन नंबर और पता इत्यादि भी फॉर्म में भर रही है जिससे टीकाकरण किया जा सके। इसलिए लोगों से अपील है कि टीकाकरण को लेकर पंजीयन के लिए सही फोन नंबर देना जरूरी है। ऐसा न करने से सिर्फ उन तक पहुंच आसान होगी बल्कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उन्हें उपचार भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।